जो मेरा फर्ज होता है बताने का, देखो आई वोंट से एनीथिंग टू यू, आफ्टर ऑल ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों को मेरे पे बिलीव करना है कि नहीं करना, बट अगेन आई विल से वन थिंग, काली को सपोर्ट करके मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, बट मैं उसको फिर भी करूँगा। वो अगर इधर आया है तो वो उसका डिसीजन है और उसने अपने सोचा है, चाहे उसकी डरी हुई थी चाहे कुछ भी था, उसने अपने डिसीजन के बारे में सोचा है, एनी थिंग इट्स बेटर फॉर हिम। तो ये समझ लो गाइस, हेट देना जितना हो सके कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैंने ब्रेन वॉश किया है तो मैं इस पर इतना बोलना चाहूँगा कि 4 हफ्ते हो चुके हैं काली और मेरी फ़ोन पे बात तक नहीं हुई थी। मैं जब स्ट्रीम पे बोल रहा था कि काफ़ी पर्सनल इशू चल रहा था, तो काली ने मेरी स्ट्रीम देखी एंड एज अ ब्रदर उसने मेरे को आज से 4 दिन पहले फ़ोन किया था कि समर तेरा क्या हाल है, कैसा है तू, ये सब घर वालों के बारे में पूछने के लिए। ना तो काली और मेरी बात हुई टीम के बारे में ना कुछ। और मैं बस यहीं पर एंड करूँगा ये बोल के कि आप लोगों ने कल जो भी देखा, जो भी रिकॉर्डिंग सुनी, वॉट एवर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। आज काली ने कुछ गलत नहीं बोला, काली ने बस इतना ही बोला कि मैं उसका डिसीजन था एंड ही वोंट रिग्रेट इट, तो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी। जो भी लोग मुझसे पूछते थे कि ही इज़ विद मी नाउ एंड वी विल बी कम्पीटिंग टुगेदर, एंड आई पर्सनली फील लाइक कि मेरी टीम अब और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड हम आने वाले टाइम में जितना हो सके उतने बेटर रिजल्ट शो करेंगे। तो पर्सनली अगेन आई विल से आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी दैट काली इज़ हियर एंड वी विल बी कम्पीटिंग टुगेदर। सेकेंड, अगर तुम्हें लग रहा है मैंने ब्रेन वॉश किया है तो भाई तुम यही मान लो वो सुन के, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मेरे को जो बोलना था मैंने तुम सबको बता दिया कि ब्रेन वॉशिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी लेट्स स्टार्ट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, लेट्स गो।